हेलो फ्रेंड्स, वेलकम निधे करियर एकेडमी। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है, यूपीएससी ने विज्ञापन जारी किया और इंजीनियर्स के लिए 167 पद इस विज्ञापन में है। कौन कौन सी ब्रांच के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से IES यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का विज्ञापन जारी हो चुका है 6/9/2023 को, और यहाँ पे लास्ट डेट भी बता दी गई है कि 26/9 तक आपको अप्लाई करना है। 26/9 से पहले आप अप्लाई कर लें। अगर आपका बीटेक कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं। कैटेगरी 1 में अगर आपको अप्लाई करना तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए। कैटेगरी 2 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक होना, बीटेक मतलब कुछ भी होना चाहिए। कैटेगरी 3 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कैटेगरी 4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आपको एक किसी कैटेगरी में आपको करना होगा अप्लाई। कैटेगरी 1 के लिए सिविल के लिए बता रहा है कि कौन कौन सी डिग्री आपके पास है, तो चलेगी सेंट्रल इंजीनियरिंग कौन कौन सी पोस्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। ये पोस्ट है सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड, AEE सिविल इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स AEE QSNC मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर्वेयर क्रिएटर में होती है, और सेंट्रल वाटर कमीशन में इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, इन सब जगहों पे यहाँ पे आपको वैकेंसी मिलती है। और इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बोला गया है, इंडियन डिफेंस सर्विस है, इंडियन नेवल आर्मामेंट है, सेंट्रल वाटर है, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी है, तो कई इस तरह के डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलती है। यहाँ पे इस बार रेलवे की पोस्ट देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए पदों की संख्या कम है। ये सेंटर हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के, लगभग हर स्टेट में सेंटर हैं, तो आपको अपने स्टेट में ज़रूर यहाँ पे सेंटर देखने को मिलेगा। आप अपने स्टेट में से एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेंस का सेंटर भी यहाँ पे दिया गया है। मेंस का सेंटर भी किसी किसी स्टेट में प्री के 2-3 सेंटर हैं, तो मेंस का कम से कम एक सेंटर तो है। यूपी की बात करें तो लखनऊ में सेंटर है, बिहार की बात करें तो पटना में, रायपुर में, रांची में देख सकते हैं सेंटर है, कोलकाता दिल्ली में सेंटर है, कटक चेन्नई में सेंटर है, भोपाल इलाहाबाद, यहाँ यूपी में 2 सेंटर है, इलाहाबाद में भी सेंटर दिया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन यही दिया गया है कि आपके पास बीटेक होना चाहिए, और आगे यहाँ पे लास्ट डेट तो हो ही गई, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन के लिए आपको बता दें कि आपको पहले प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू। तो ये आपको 3 एग्ज़ाम यहाँ पे देने होंगे। बिल्कुल सिविल सर्विसेज की तरफ है, क्योंकि जिसे IAS होता है, IAS उसी तरह से IES होता है, सेम कैडर है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये 3 भारत की सबसे बड़ी सर्विसेज हैं। अप्लाई कैसे करना है? UPSC की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर देना है, और लास्ट डेट तो आपको हमने बता दिया 26 सितंबर है यहाँ पे। सीट्स भी बता दिया आपको, 167 सीट है। बाकी नीचे सब फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उदय करियर अकेडमी एक टेक्निकल चैनल है और आपकी हर संभव मदद करता है, टेक्निकल वैकेंसीज के बारे में आपको बताता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको अपडेट समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो एंड सी यू अगेन।